मॉर्निंग स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट। अब हम बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? अ डाइट विच इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फूड डैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स needed by our body in right quantity is called balanced diet. Balanced diet किसे कहेंगे हम? जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे बॉडी को जो भी आवश्यकता होती है वो सही अमाउंट में, यानी कि प्रॉपर अमाउंट, ना कि ज्यादा ना कि कम मिले, उसे ही बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। टू मच और टू लेस ऑफ सडन फूड कैन कॉजेज इल हेल्थ। अगर हम ज्यादा किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये इससे क्या होगा, हमें बीमारी होगी, या कम भी लेंगे तो भी हमें बीमारी होगी। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हम ओबेसिटी का शिकार होंगे, यानी हमें मोटापा होगा और हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। और अगर हम कम लेते हैं तो हम कुपोषण के शिकार होंगे, अंडर वेट होंगे, हमारा वेट नहीं होगा सही से, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, और तो भी हम डिजीज के शिकार होंगे। सो वी हैव टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, डैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड लेना चाहिए जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। और यदि हम कम लेते हैं तो भी हमें दिक्कत होगी, ज्यादा लेंगे तो भी दिक्कत होगी। बट इन केस ऑफ वर्क नेचर, हम जो काम करते हैं उसके नेचर के अनुसार ये वेरी करता है, इसमें अंतर आता है। ये एक रफली आपको दिया गया कि हमें इतना इतना अमाउंट में लेना चाहिए। बट जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, जैसे फार्मर, लेबर्स, दे नीड टू लॉट्स ऑफ कैलोरी, उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको ज्यादा लेना चाहिए। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनको कम लेना चाहिए। सो बैलेंस डाइट एक प्रॉपर दिया हुआ है, लेकिन आदमी के नेचर, वर्किंग नेचर के अनुसार ये वेरी करता, अंतर आता है। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? आई रिपीट इट अगेन, मैं फिर से बोल रही हूँ। अ डाइट विच इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ फूड डैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन नीडेड बाय अवर बॉडी इन राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। दिस इज नोन एज बैलेंस डाइट पिरामिड। इसे बैलेंस डाइट पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखिए कितना कैलोरी के अनुसार ये लुक लाइक पिरामिड, या पिरामिड की तरह नजर आ रहा है। सो इट इज नोन एज बैलेंस डाइट पिरामिड। ये आपको लर्न भी करना और उसका पिक्चर भी आपको बनाना अभी होगा, कितना कैलोरी हमें कैसे चाहिए। अगर हम वेजिटेबल लेते हैं, कच्चा लेते हैं, रॉ यानी कि कच्चा, कुक लेते हैं तो भी हमें 30-60% ऑफ कैलोरी चाहिए। जितना बॉडी आपके कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें 30-60%। फ्रूट भी हमें कितना चाहिए? 10-40%। बीन्स भी हमें 10-40 चाहिए। सीड्स, नट्स भी हमें 10-40 चाहिए। होल ग्रेन्स यानी कि अनाज और पोटेटो भी हमें 20% से कम ही चाहिए। एग, फिश वगैरह भी हमें 10% से कम चाहिए, और अदर थिंग्स भी हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए। सो हेयर इज अ चार्ट और पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ हम किसे कहेंगे? हेल्थ इज फार मोर देन सिंपल फीलिंग फाइन। अगर हेल्थ हम किसे कहते हैं, अगर हम फील करते हैं कि वी आर फाइन, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम स्वस्थ हैं, तो क्या हम कंप्लीट हेल्दी हैं? नहीं, हम कंप्लीट हेल्दी नहीं करेंगे होंगे या मानेंगे। इट इंक्लूड अ हेल्दी एंड फिट माइंड एज वेल एज बॉडी। अगर हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमें कोई डिजीज नहीं है, फिजिकली कोई डिजीज, हाथ पैर वर्क कर रहा है हमारा, लेकिन हमारा दिमाग सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, हमें मतलब कमजोरी लग रही है, हम कुछ मेमोरी कम है, हम किसी चीज को याद नहीं रख पा रहे हैं, तो हम कंप्लीट हेल्दी नहीं है। हमारा माइंड और बॉडी दोनों अगर हेल्दी है तभी हम कहेंगे कि हम कंप्लीटली हेल्दी हैं और हमारा कंप्लीट हेल्थ है। अलोंग विद अ डाइट हेल्थ, हमें अच्छी डाइट तो लेनी ही चाहिए। आप लोग पहले ही जाने कि वी हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं उसके साथ साथ हमें और भी चीजें हैं जो करनी चाहिए, जैसे कि आपको एक्सरसाइज, साउंड स्लीप, गुड पॉस्चर आर एसेंशियल फॉर कंप्लीट हेल्थ। हमें अच्छा एक्सरसाइज भी करना चाहिए, अच्छे से सोना भी चाहिए, यानी कि साउंड स्लीप यानी कि 6-7 घंटे का लगातार नींद, और बच्चों को थोड़ा ज्यादा ही सोना चाहिए, और देन गुड पॉस्चर, हम जो बैठे उठे चले वो सही ढंग से हों, यानी प्रॉपर हम सीधे खड़े हों, बैठे भी तो सीधे, हमारा बैकबोन सही हो। सो ये सब चीज जब आपका सब सही है,
यानी कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी सही है, आप अच्छे से सो रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, तभी आप माने जाएंगे कि आप कंप्लीटली हेल्दी पर्सन है, नहीं तो आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं माने जाएंगे। सो द कंप्लीट हेल्थ इंक्लूडेड हेल्थ एंड फिट माइंड एज वेल एज बॉडी। हमारा बॉडी और माइंड अगर दोनों हेल्दी होगा तभी हम कंप्लीटली हेल्दी कहे जाएंगे। सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज, टेक हेल्दी डाइट एंड साउंड स्लीप एंड ऑल्सो स्टैंड और वॉक इन गुड पोस्चर, देन यू आर कंप्लीटली हेल्दी पर्सन। अगर आप इतना करेंगे तभी आप कंप्लीटली हेल्दी पर्सन माने जाएंगे। नेक्स्ट द टॉपिक इज डिजीजेज, यानी बीमारियां। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारियां। बीमारियां किसे कहते हैं, यानी बीमारी किसे कहते हैं? अ डिजीज इज ए कंडीशन व्हेन वन और मोर पार्ट ऑफ आवर बॉडी नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज किसे कहेंगे? जब इसमें हमारे बॉडी का एक से अधिक पार्ट अच्छे से काम ना करे, यानी वो काम तो करेगा लेकिन एकदम सही ढंग से काम नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि हमें डिजीज हो गया है। अ डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम स्पेसिफिक साइन नोन एज सिम्टम। ये स्पेसिफिक साइन है, यानी कि पहचान करेंगे हम डिजीज कैसे जानेंगे, इसका पहचान कैसे करेंगे, तो इसका स्पेसिफिक साइन है, कुछ स्पेशल साइन है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील करते हैं, आप थकते हैं कि नहीं, आप प्रॉपर आपको बुखार तो नहीं आती है, एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। देन वो क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि आपको कौन सा डिजीज है। अगर फिर भी उनको पता नहीं चलता है बोलते हैं आपको वो कि आप टेस्ट कराइए, ब्लड का चाहे किसी और चीज का टेस्ट। तो वो कैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपके कुछ स्पेशल साइंस से, जिसके हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं, जिसे हम सिम्टम कहते हैं। और ये सिम्टम हमारे डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी वो पकड़ पाते हैं कि हमें कौन सी डिजीज हुई है। तो डिजीज किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक बॉडी का पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करे, उसे हम डिजीज कहते हैं। सिम्टम किसे कहते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिजीज हमें हुआ है, उसे सिम्टम कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंजुरी। इंजुरीज किसे कहते हैं, सच एज कट, स्प्रेन एंड ब्रशेज आर नॉट काउंटेड एज डिजीज। और जैसे आपकी बॉडी में इंजुरी का मतलब जख्म, तो ये क्या हो गया, अगर कट जाता है हाथ उंगली, अगर कहीं से, स्प्रेन का मतलब मोच, SPRAINS, स्प्रेन्स का मतलब मोच, एंड ब्रूसेज यानी कि चोट या घाव, तो अगर ये सब चीज होता है तो इसे हम डिजीज के अंदर नहीं कहते हैं। दिस इज नॉट डिजीज, ये डिजीज नहीं है। दिस ऑल आर इंजुरीज, ये सब इंजुरी है। यानी कि डिजीज और इंजुरी में क्या अंतर है, जिसमें हमारे बॉडी में छिला जाए, मोच आ जाए, कट जाए, तो इसे हम इंजुरी कहते हैं, इसे डिजीज नहीं कहते हैं। डिजीज उसे कहते हैं जब हमारे बॉडी का एक या एक से अधिक पार्ट काम ना करे। सो दिस इज द डिफरेंट मेजर डिफरेंट बिटवीन डिजीज एंड इंजुरी। नेक्स्ट, डिजीज आर कॉजेज ड्यू टू वेरियस रीजन। डिजीज बहुत तरह रीजन से हो सकते हैं। सम डिजीज आर कॉजेज बाय लैक ऑफ प्रॉपर फूड। कुछ डिजीज जो है हमारे खाने की कमी से भी होते हैं, जिसे हम कुपोषण कहते हैं। यानी कि अगर हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा कम हो तो डिजीज होगा, आयरन की मात्रा कम हो तो हमें ब्लड की कमी होगी, जिसे एनेमिक कहते हैं। तो कुछ डिजीज होते हैं जो खाने की कमी से होते हैं, लैक मीन्स कमी, हमारे प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट हमें नहीं मिलता है, तो हमें कुछ बॉडी में बॉडी के पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरह का डिजीज है। सम कॉजेज बाय हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम बाय आवर बॉडी, और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होता है, जो हमारे बॉडी में हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम बाय अवर बॉडी, हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी किसी तरह अपने बॉडी के अंदर उसको कर लेते हैं। जैसे कि खाना खाएं आप स्ट्रीट फूड, रोड के किनारे का कुछ ले लेके खाएं, आप रास्ते के किनारे गोलगप्पे मिल रहे हैं वो खाएं, अदर कटिंग फूड खाएं, या कुछ भी बाहर का जब आप खा रहे हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में इंजेक्ट हो गया, यानी कि अंदर चला गया, तो क्या होगा, उससे भी हमें डिजीज होगी। सो दो तरह से हुए, एक जो फूड की कमी से, खाने की कमी से बैलेंस डाइट नहीं मिला तो भी होगा, और कुछ हम चीजें को हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाने के माध्यम से हम उसे अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, उससे भी डिजीज होता है। डिजीज में भी, सो यहां तक आप लोगों ने डिजीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे, डिजीज दो तरह के होते हैं, कॉम्युनिकेबल अनकम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में हम जानेंगे। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज सम क्वेश्चन आंसर। What is balanced diet? Balanced diet किसे कहते हैं? What is complete health? Complete health से आप क्या समझते हैं?
डिस्क्राइब डिजीज, डिजीज से बताइए, डिजीज से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। व्हाट इज सिम्टम्स, सिम्टम्स किसे कहते हैं उसके बारे में लिखिए। दिस टॉपिक इज फिनिश्ड और हमको पूरा विश्वास है कि आप फिर वर्क कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे। कुछ बुक में जो हार्ड वर्ड है उसे भी आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी नेट के सहायते से भी लिखिए और आप प्रॉपर अपना वर्क करते रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि टाइम वापस कभी भी नहीं आता है, और इसे यूटिलाइज कीजिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप उसका अच्छे ढंग से यूटिलाइज कीजिए, उसको लर्न कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे प्रॉपर पढ़िए, और इसके बारे में अगर आपको डिफिकल्ट हो रही है तो प्रीवियस क्लास का भी बुक को पढ़िए, पिछले क्लासों का बुक। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े, अभी बहुत मौका है आपके पास कि आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे पोजीशन में ला सकते हैं। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड नीटली, एकदम साफ सुथरा कॉपी तैयार कीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम तैयार करके रखिए। बाय, गुड डे।